अभी हम जीतानी माता जाने वाले हैं, और यहाँ से घर से मैं ऑटो लूँगी, फिर मैं बोरीवली स्टेशन पहुँचूँगी, और वहाँ से मैं विरार के लिए ट्रेन लूँगी, और फिर वहाँ से मैं ऑटो लूँगी, और मैं आपको बताऊँगी आगे का प्रोसेस। बोरीवली स्टेशन का एंट्रेंस गेट है और यहाँ पे आप एंटर हो सकते हो। देखिए, और यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हो। मैंने टिकट लिया मेरा विरार का, 10 रुपये का जाने का और 10 रुपये आने का हुआ, 20 रुपये लगे लोकल के। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बाहर ऑटो मिलते हैं और ऑटो मीटर से चलते हैं, आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं 6 नंबर के प्लेटफॉर्म पे गई, वहाँ पे विरार के लिए लोकल ट्रेन थी, एसी ट्रेन थी है ऊपर, बट वो टिकट्स महंगे हैं। ये हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अभी यहाँ लोकल आए थे और 6 नंबर का प्लेटफॉर्म। बोरीवली स्टेशन पे लोकल भी आती है, प्लस वैसी भी ट्रेन्स भी आके रुकती हैं, बड़ा स्टेशन है, तो आपको लोकल भी बहुत दिखेंगे, मोमेंट होते हुए दिखेगा, और जनरल ट्रेन्स भी। यह स्टेशन बहुत बिजी स्टेशन है और इस पर बहुत पब्लिक भी रहती है। अब हम अंदर जाने का रास्ता है जीवदानी, हाँ 115 की सीढ़ियाँ हैं और उसको चढ़ के आप जाते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी आप जूते रख सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं। जाने का रास्ता है यहाँ से, पहला दर्शन गणपति का होगा और 1500 सीढ़ियाँ। ये आपको अगर लिफ्ट से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो यहाँ से और अपने जूते यहाँ पे जमा करके जा सकते हैं। वो 250 रुपये टिकट लेते हैं जिसमें आने जाने का होता है। अंदर आ गए हैं, 250 रुपये का टिकट से बैठ गए हैं ट्रॉली में, और माता के मंदिर लेके जाए। आज गर्मी बहुत है, 33 टेम्परेचर है, इसलिए बहुत हालत बुरी है। ये हम ट्रॉली से जा रहे हैं और देखिए पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, प्लस सीढ़ी वाला रास्ता भी दिख रहा है। और मैंने आपको बताया कि 1500 सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, तो वैसे सुबह लोग आते हैं और मेरे ख्याल से 1 घंटे में वो ऊपर चढ़ जाते हैं। और हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पहले मैं आई थी तो सीढ़ियों से गई थी। विरार स्टेशन पे उतरने के बाद मैंने ईस्ट साइड में, विरार ईस्ट में आई और मुझे ऑटो मिल गया। आप शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं 20-20 रुपीज़ में, और वहाँ से उसने मुझे जीवदानी माता के ये हम बाहर आ गए हैं डायरेक्ट माता के मंदिर के अंदर, और हमें दर्शन के लिए ले जाने से पहले उन्होंने हमें यहाँ पे बिठाया, क्योंकि फिर हम अंदर गए। यहाँ से हमारे माता के दर्शन बहुत अच्छे हुए, हमने माता को डायरेक्ट देखा और इतने सुंदर, इतने बढ़िया दर्शन हुए, और हम थोड़ी देर बैठ के माँ की आराधना भी करने लगे। जीवदानी माता को मिन्नत वाली माता कहते हैं, कहते हैं कि माँ के आपके दरबार में अगर आप मांगोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। और ये हमारे बहुत सुंदर दर्शन हुए, और काफ़ी दिनों की इच्छा थी मेरी कि जीवदानी माता आऊँ और दर्शन करूँ, और ये सहयोग की बात है कि आज मैंने प्रोग्राम बनाया और पूरे उससे मेरा हर चीज़ माँ ने सुनी और मैं यहाँ आई और मेरे दर्शन इतने अच्छे हुए। ये हम लाइन में लग गए और माँ के दर्शन
करने पहुंची और भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी तो हमारे अच्छे दर्शन हुए। बहुत ही बढ़िया दर्शन माँ के पास में जाके हमने किए। फ़ोटो खींचना डायरेक्ट अलाउ नहीं था, जो दूर से हमने वीडियो बनाया, पर पास में आके फोटोज़ खींचना अलाउ नहीं था। और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए और मतलब मन ही नहीं हो रहा था उनके वहाँ से नज़र हटा। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं और बाहर से भी हमने खड़े होके माँ को फिर से दर्शन किया, हाथ जोड़े और हम बाहर की तरफ आ गए। और बाहर से आपको भी अच्छा व्यू दिखता है, हमने वो खिड़की थी उसमें से देखा ये विरार का व्यू और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। माउंटेन्स और बिल्डिंग्स और ऐसा लग रहा था पूरा विरार सिटी इतना सुंदर दिख रहा था। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से भी आपको व्यू दिखाएंगे, कितना सुंदर सिटी सारा व्यू दिखता है क्योंकि वो बहुत ऊंचे पहाड़ पे है, आपको पता है 15। ये हम ऊपर की तरफ आए हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हो और विरार का व्यू देख सकते हो सिटी का। और यहाँ पे माँ दुर्गा का भी मंदिर है और यहाँ पे आप पूजा का सामान भी ले सकते हैं। यहाँ दुर्गा माँ का मंदिर है और यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आप अपनी इच्छा के लिए सिक्का लगा सकते हो और अगर आपकी इच्छा पूरी होगी तो वो सिक्का हटेगा नहीं, तो ये भी बहुत अच्छा है। और दूसरा मंदिर है यहाँ पे और यहाँ पे बैठ के आप अपना चाय नाश्ता भी कर सकते हो। और यहाँ पे पक्षी पैरट है जो कि इसमें और सभी तरह से ये जाने का रास्ता है। यहाँ से नीचे वापस जाते हैं सीढ़ी से और ये माँ काली का मंदिर है, यहाँ पे आके लोग अपनी मिन्नत वगैरह रखते हैं और हाथ जोड़ते हैं और अपनी इच्छा माँ को कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे। ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आप पूरा विरार का व्यू देख सकते हो और बहुत सुंदर व्यू दिखता है जहाँ से हमने भी देखा, पूरा विरार सिटी का व्यू देखने को मिलता है और इतना अच्छा लग रहा था। ये ऊपर की तरफ भी प्रसाद की शॉप। ये अब हम वापस दे जा रहे हैं लिफ्ट से ही और आधा घंटे में ही आ और जा सकते हैं लिफ्ट के थ्रू। और ये माता का मंदिर 17 सेंचुरी में बना था और यहाँ पे कहा जाता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होती है, माता को चमत्कारी मंदिर माना जाता है, तो इसलिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। ये पूरे इंडिया में नोन है। एक्चुअली स्टार्टिंग में 6 फ्लोर हम लिफ्ट से आए, फिर ट्रॉली से आए। ये ट्रॉली बहुत बड़ी है, इसमें 4 से 6 ब्रेकअप। ये हम बाहर की तरफ आ गए और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम ऑटो लेंगे और घर जाएंगे। ये बीच में मार्केट पड़ता है, यहाँ से भी आप प्रसाद और माँ की चुनरी और सभी कुछ ले सकते हैं, कुछ माँ की तस्वीर यहाँ से ले सकते हो। और जब यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो आपको ऑटो मिलेंगे, ऑटो स्टैंड, वहाँ पे आप 20-20 रुपए में भी ले सकते हो। यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं। देखिए हम बाहर की तरफ आ गए हैं और अब हम यहाँ से आपको जैसे ही आप बाहर की तरफ निकलेंगे वहाँ पे आपको ऑटो स्टैंड मिलेगा जो खड़े हुए रहेंगे। और
आप वहाँ से लेंगे और आप स्टेशन। ये हम लोकल में आ गए हैं और लेडीज डब्बे में बैठे हैं और यहाँ पे सेफ्टी। ये हम बोरीवली उतर गए स्टेशन, देखते कितनी भीड़ रहती है। स्टेशन पे हमारी ट्रेन जा रही है। यहाँ पे हम लिफ्ट भी से भी हर तरह की व्यवस्था है स्टेशन से। हम बाहर की तरफ आ गए हैं, हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और अब यहाँ से हम ऑटो लेंगे। यहाँ शेयरिंग ऑटो भी ले सकते हैं और चाहे तो इंडिविजुअल ऑटो लेते हैं। हर ऑटो मीटर के हिसाब से चलता है। ये हम बाहर की तरफ आ गए। यहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था भी है। बाहर निकलते ही रेस्टोरेंट आपको दिखेगा, आप वहाँ पे नाश्ता वगैरह कर सकते हो और नाश्ता बहुत सस्ता है तो आप वो करते हो। और हम अब घर की तरफ निकल गए ऑटो में बैठ के। ये मेरी दूसरी यात्रा है जीवदानी की और पहली बार मैं सीढ़ियों से गई थी, इस बार मैं लिफ्ट से गई थी। लिफ्ट में भी 200 लोग एक बार में जा सकते हैं और उसमें जाने से आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, बट कहते हैं कि अगर आपने मिन्नत मांगी तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए और यात्रा संपन्न हुई बिना किसी विघ्न के। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं चाहती हूँ आप लोग सभी लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें जितना हो सके। ये हम संजय गांधी नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए वेस्टर्न हाईवे पकड़ लिया है और यहाँ से आप देखेंगे कि कितनी सुंदर बिल्डिंग्स देखने मिलेंगी। ये मेन हाईवे वेस्टर्न हाईवे है और यहाँ से घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ वेस्टर्न हाईवे चल रहा है और दूसरी तरफ मेट्रो लाइन भी है, तो अगर आपको मेट्रो से ट्रैवल करना हो तो आपको यहाँ से साइड में वेस्टर्न हाईवे पे भी आपको मेट्रो लाइन्स हैं। आप वहाँ से अंधेरी वेस्ट तक या अंधेरी ईस्ट तक दोनों जगह जा सकते हैं और ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अभी आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। हम वेस्टर्न हाईवे पे ऑटो में ऑटो का आनंद ले रहे हैं क्योंकि बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑटो में, क्योंकि आपको घूमने और देखने में लगता है सी सारा। सामने आपको मेट्रो भी दिख रही है और बिल्डिंग्स भी दिख रही है, यही और बिजी मुंबई जो हम कहते हैं वो भी दिख रहा है। ये वेस्टर्न हाईवे है और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय।